नीरज शेखर को बलिया सीट से चुनावी मैदान पर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। इतना साफ है कि लिस्ट में जो नाम यहां पर सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कौन जनप्रतिनिधि के सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की कई सीटों को लेकर काफी पर्दा पड़ा था, लेकिन आज बीजेपी ने कम से कम बलिया से उस पर्दे को हटा दिया है और नाम सामने आया है नीरज शेखर जी का। राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और विरासत इनके पीछे की तस्वीर में नजर आएगी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बड़े नेता नीरज जी, बहुत बड़ी विरासत है और बलिया उस विरासत का एक गण है। बिल्कुल, पिताजी के नाम को आगे बढ़ाना ये मैं हमेशा पिछले 15-16 सालों से मेरा दायित्व रहा है कि उस नाम पर कोई आँच ना आए, और इस पे बहुत बड़ा सहयोग मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिला है, गृह मंत्री जी का मिला है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी का मिला है, जिन लोगों ने हमेशा सहयोग मुझे अपना आशीर्वाद दिया जब से मैं पार्टी में आया हूँ। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जिस तरह मुझे टिकट राज्यसभा का भी दिया गया और जिस तरह लोकसभा का टिकट दिया गया, जो सम्मान और स्नेह दिया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, उसके लिए मैं उनका हमेशा सदैव ऋणी रहूंगा। जो अनुभव मेरा पिछली पार्टी में रहा था, आज के इस अनुभव से उस अनुभव को मैं तुलना भी नहीं कर सकता। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आंतरिक से, अमिताभ जी आप मुझे जानते हैं, मुझे इतनी खुशी अपने लिए तो है ही है, लेकिन जो पिताजी का एक मेरे लिए था कि जो मुझे उनको बढ़ाना है आगे, आज इस से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेरे को सहयोग और मैं कह सकता हूं जो आशीर्वाद दिया है, वो मैं उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। आपके पुराने सहयोगी अखिलेश यादव की आपको टिकट मिलने से क्या बहुत ज्यादा बेचैन होंगे? अब वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर कहीं कुछ होगा, मेरे ख्याल से वो तो खुशी होंगे, मेरे ख्याल से दुखी तो नहीं होना चाहिए। अपने दोस्तों का, पुराने दोस्तों के खुश होना चाहिए, अगर कहीं उनको सम्मान मिल रहा है जो सम्मान वो नहीं दे पाए और कहीं मिल रहा है तो उनको खुशी होना चाहिए उस बात का। नीरज जी शुभकामनाएं, धन्यवाद। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ा दंगल, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया के पास ताकत है देश के सबसे बड़े नेटवर्क की। 1200 से ज्यादा रिपोर्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं देश के चप्पे चप्पे से सबसे तेज और सबसे सटीक चुनावी खबरें। मतदान के पहले चरण से लेकर सातवें चरण तक, यानी 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून तक दिखाएंगे हर सीट से जुड़े बड़े चेहरे, जनता का मूड और सियासी उठापटक। 4 जून को सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे भी आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। याद रखिए, चुनाव मतलब न्यूज 18 इंडिया।